दोस्तों, भारत में केरल राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफ़ी मशहूर है। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, जिसकी पूरे विश्व में मान्यता है। हाल ही में ये मंदिर काफ़ी चर्चा में था। शायद आपको मालूम नहीं होगा, पर यह मंदिर रहस्यमय स्थानों की गिनती में आता है। इस मंदिर में देश विदेश से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है दोस्तों कि ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। केवल हिंदू धर्म को मानने वाले लोग यहाँ आ सकते हैं। इस मंदिर में एंट्री करने के लिए एक विशेष प्रकार का ड्रेस कोड भी है, जो कि भक्तों के लिए अनिवार्य है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसा है, इस वजह से इस मंदिर के दरवाज़ों को केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही खोला जा सकता है। अभी तक इस मंदिर के 6 दरवाज़ों को खोला गया है। इन दरवाज़ों में से करीब 1,32,000 करोड़ की संपत्ति अभी तक बरामद हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस मंदिर के 7वें दरवाजे को नहीं खोला जा सका है। इस मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की एक अद्भुत मूर्ति रखी हुई है, जिसकी वजह से इसकी देश के वैष्णव मंदिरों में खासी गिनती होती है। आपको बता दें कि ये दुनिया का सबसे अमीर मंदिर भी है। ये मंदिर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में एक दरवाज़ा ऐसा भी है जिसे कोई सिद्ध पुरुष ही खोल सकता है, लेकिन फिर भी इस मंदिर के दरवाज़ों को कोई अभी तक खोल नहीं पाया है। बता दें कि इस रहस्यमय मंदिर के खजाने में करीब 2,00,000 करोड़ का सोना है। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इस मंदिर में अनुमानित राशि से करीब 10 गुना ज़्यादा राशि मौजूद है, जिसकी असल कीमत लगा पाना बेहद ही मुश्किल है। इस मंदिर का निर्माण 6वीं सदी के त्रावणकोर के महाराज ने कराया था। इस मंदिर के तहखाने की मोटी दीवारों में खजाना छुपाया गया है। किसी ने भी इस मंदिर के दरवाज़ों को खोलने की कोशिश नहीं की, जिसके बाद इसे शापित माना जाने लगा। इस मंदिर के 7वें दरवाजे को जब खोलने की कोशिश की गई तो जहरीले सांपों के काटने से सभी लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद से कोई भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं करता है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इस मंदिर का 7वां दरवाज़ा केवल कुछ मंत्रों के उच्चारण के बाद ही खुल सकता है। इसके अलावा कोई और तरीका अपनाया जाएगा तो मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि इस मंदिर का दरवाज़ा स्टील का बना हुआ है, जिस पर 2 सांप भी बने हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये सांप इस दरवाजे की रक्षा करते हैं। इस मंदिर की गुत्थी सुलझा देने वाला सिद्ध पुरुष अभी तक नहीं जन्मा है। इस मंदिर के दरवाजे को खोलने के लिए कई बार वैदिक साधना करने वाले साधुओं ने भी कोशिश की थी दोस्तों, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए हैं। इसी कारण इस रहस्यमय मंदिर का 7वां दरवाज़ा आज तक नहीं खुल पाया है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।